MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे सबसे पहले मोहम्मद और अहमद नाम किसका रखा गया। चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, आपको बताना चाहेंगे कि पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब की किताब खुतबात जुल्फकार में है कि सबसे पहले मोहम्मद और अहमद नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी के ये नाम नहीं रखे गए। और मारिफुल कुरान नामी किताब में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी था और अहमद भी। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत अच्छे अच्छे नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, मगर इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद बताया गया। इसकी मसलियत यह है कि मोहम्मद नाम रखने का अरब में बहुत पुराना दस्तूर था कि नाम के शुरू में मोहम्मद लगाया करते थे, इसलिए इस नाम के दूसरे और आदमी भी अरब में थे, पर अहमद नाम अरब में मशहूर नहीं था। वो नाम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ ही खास था।